टीवी का पॉपुलर चेहरा ऐश्वर्या शर्मा, जो गुम है किसी के प्यार में सीरियल से फेमस हुई और खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की रनअप भी रहीं, और अब ये साल 2023 में बिग बॉस 17 में अपने हस्बैंड नील के साथ आई हैं। तो आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में बात करेंगे ऐश्वर्या शर्मा की लाइफस्टाइल एंड लाइफ स्टोरी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ऐश्वर्या के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है ऐश्वर्या शर्मा भट्ट और निक नेम है एस और वाइनो। प्रोफेशन से मॉडल एंड एक्ट्रेस हैं और इनका जन्म 8 दिसंबर 1992 को उज्जैन मध्य प्रदेश इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 31 ईयर हो चुकी है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ऐश्वर्या ने अपने स्कूल की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर ऋषि नगर उज्जैन से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई खैरागढ़ यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है और साथ ही साथ इन्होंने कथक डांस में ग्रेजुएशन भी की है इंदिरा काला संगीत विश्वविद्यालय से। बचपन से ही ऐश्वर्या शर्मा को एक्टिंग का शौक था। वह अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में मिमिक्री करती थी और उन्हें सेलिब्रिटी के इंटरव्यू पढ़ने का काफ़ी शौक था और हमेशा उनमें से एक बनने की इच्छा भी रखती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अभिनय करने की प्रेरणा इरफान खान, राधिका आप्टे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ली है। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। ऐश्वर्या एक इंडियन क्लासिकल डांसर भी हैं। शुरू में वह क्लासिकल डांस में पीएचडी करना चाहती थी, हालांकि बाद में उन्होंने यह विचार छोड़ दिया और इसके बजाय इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करने के बाद वह एक्ट्रेस बनने के लिए अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। इसके चलते फर्स्ट टाइम टीवी में डेब्यू किया था कोड रेड से, जो कि 2015 में आया था, और उसी साल में ही ये टेलीविजन शो संकट मोचन महाबली हनुमान में भी थी। उसी साल में ये सूर्यपुत्र कन्न और उसी साल में ये जानवाज सिंधवाद में भी थी और 2016 से 17 तक इन्होंने बाल किशन सीरियल में भी काम किया। ऐश्वर्या को पॉपुलैरिटी मिली टीवी सीरियल मेरी दुर्गा से, जिसमें इन्होंने अमृता की भूमिका निभाई। उसके बाद इन्होंने गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल में काम किया, जिसमें इनका करेक्टर ऐश्वर्या सिंह का था, जिसमें इनके अपोजिट थे इनके हस्बैंड नील भट्ट, और ये यहीं से ही काफ़ी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई और इनको लोग आयशा के नाम से जानने लगे। उसके बाद 2022 में ये रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी में भी थी और साल 2023 में ये खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का भी हिस्सा रहीं, जिसमें ये सेकंड रनअप रहीं। वहीं इन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया। इन्होंने 2020 में माधुरी टॉकीज से डेब्यू किया था और इसके साथ साथ इन्होंने म्यूजिक वीडियो में भी काम किया मन जोगिया, और अब साल 2023 में ये कलर्स टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 17 का भी हिस्सा हैं। तो देखते हैं ऐश्वर्या यहाँ पर क्या करती हैं। तो हमको कमेंट करके बताना कि ऐश्वर्या आपको कैसी लगती हैं। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो ये इनके फादर हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, और ये इनकी मदर हैं, और एक इनके ब्रदर और एक सिस्टर भी हैं। इनके ब्रदर का नाम प्रांजल शर्मा, इनकी सिस्टर का नाम राजनंदिनी शर्मा है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं। तो ये मैरिड हैं। इनके हस्बैंड का नाम नील भट्ट है, जो प्रोफेशन से एक एक्टर हैं। इनकी मैरिज 30 नवंबर 2021 को हुई है। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको सिंगिंग एंड डांसिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है मारुति सुजुकी सियाज, सेकंड कार है जीप कंपास। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें तो ये लगभग 80,000 रुपये पर एपिसोड चार्ज करती हैं, साथ ही साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी लाख रुपये कमा लेती हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 15 करोड़ रुपये है। तो ये थी ऐश्वर्या शर्मा की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।